नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भोपाल की, जहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर साधा निशाना। आगे बात करेंगे बिजनौर की, जहां सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में गिरी। साथ ही आगे चर्चा होगी रीवा की, जहां यातायात जागरूकता को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक ने लोगों को किया जागरूक। और भी तमाम खबरों पर आइए, करते हैं विस्तार से चर्चा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि प्रदेश में सरकारी विभाग में आग लगने का सिलसिला चल रहा है। क्या यह आग जानबूझकर लगाई जा रही है? हाल ही में लोकायुक्त में लगी आग को लेकर उमंग सिंगार का कहना है कि इसमें सिंहस्थ जमीन घोटाले की कई फाइल जल गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग में लगातार गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार को लीपापोती ना करते हुए इसकी स्पष्ट जांच करानी चाहिए, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। एनएसयूआई के नेता रवि परमार की सुरक्षा को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि घोटाले उजागर करने वालों की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है। ऐसे नेताओं को या तो जेल भेज दिया जाता है या उन पर जान का खतरा मंडराता रहता है। देखिए, मैंने तो कल ही कहा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी ब्रांडिंग में लगे हुए हैं और अखिलेश यादव और लालू यादव से बड़े नेता बनना चाहते हैं यादव के रूप में, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था के प्रति वो गंभीर नहीं है। अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे उन्होंने सुरक्षा की जवाबदारी मुख्यमंत्री की, चूंकि विभाग उनके पास है। अभी कुछ दिन पहले आपके झुग्गी प्रकोष्ठ के भाजपा के अध्यक्ष खंडेलवाल जी ने भी चूड़ियां भेंट करी थी सीओर कलेक्टर को रेत माफिया के खिलाफ। तो चाहे आपने शेडोल की बात करी हो, चाहे वहां पे कोल माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, तो ये सीधे सीधे सरकार का प्रशस्त है, हाथ है, जिसके अंदर इनके लोग इसमें लिप्त है। सरकार इस पर निष्पक्ष जांच करा है। क्या सरकार चाहती है कि इनसे दो नंबर का पैसा इन लोगों के पास आता रहे? तो भ्रष्टाचार तो यही हो रहा। मोदी भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, तो भाजपा मध्यप्रदेश में कब मोदी करेंगे भ्रष्टाचार मुक्त, ये बताएं। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर के हल्दौर इलाके में आज उस वक्त एक हादसा हो गया जब एक सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में करीब डेढ़ दर्जन मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूर लखीमपुर खीरी से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं इस मामले में हल्दौर थाना प्रभारी राम प्रताप सिंह का कहना है कि सड़क हादसा चालक को अचानक नींद आने पर बस अनियंत्रित होकर पलटने से होने की आशंका जताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर रीवा जिले से है, जहां रीवा पुलिस निरंतर जनमानस को यातायात नियमों के पालन करने की हिदायत दे रही है और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों की जागरूकता हेतु अभियान भी चला रही है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस रीवा द्वारा सड़क सुरक्षा, जन जागरूकता एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कार्यक्रम आयोजित कर हर वर्ग तक संदेश पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज रीवा के सिरमौर चौराहे में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋतु उपाध्याय ने यातायात नियमों, गुड्स सेमेरिटिन, गोल्डन आवर्स की जानकारी दी। वहीं यातायात रोड साइन से संबंधित पंपलेट पोस्टर को भी वितरण करवाते हुए कहा कि सभी को सड़क सुरक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी कार्रवाई के तहत एक कार्रवाई आज जो की गई है वो जन जागरूकता के लिए की गई है, जनता को जागरूक करने के लिए, क्योंकि यातायात व्यवस्था सुधार करने में जितना रीवा यातायात पुलिस या रीवा पुलिस का योगदान है, उतना ही जन सहयोग की भी आवश्यकता है। जनता यदि अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेगी तो यातायात व्यवस्था में निरंतर सुधार लगातार होता रहेगा, इसलिए प्रयास किए गए हैं। इसके तहत हमने गोल्डन आवर योजना के
लिए भी प्रचार किया है। जो गोल्डन आवर होते हैं किसी व्यक्ति के दुर्घटना होने पर, तो कोई भी व्यक्ति यदि देखता है कि कोई दुर्घटना हुई है तो तत्काल वह उसे हॉस्पिटल पहुंचाए। जो उसका पहला आवर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें यदि उसे चिकित्सक सहयोग मिल जाता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। हिट एंड रन मामले में भी हमने क्षतिपूर्ति योजना को प्रचारित किया है। हिट एंड रन मामलों में क्षतिपूर्ति दी जाती है जिससे कि जो व्यक्ति इससे संबंधित है उसे लाभ प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ हमने फोर व्हीलर्स में सीट बेल्ट लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया है, हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया है टू व्हीलर्स में, और उनके पीछे बैठी सवारियों को भी हिदायत दी है कि आप भी हेलमेट लगाएं। अपने लिए जागरूकता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब जनता स्वयं के प्रति जागरूक होगी तभी वह सहयोग कर सकेगी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी के माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ जनता से कि वो यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुधार करने में अपना सहयोग प्रदान करें, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे साथ सहयोग में आएंगे तो हम और बेहतर काम कर सकेंगे। और लापरवाही वालों को क्या चलानी, हाँ लापरवाही जो कर रहे हैं उन पर चलानी कार्रवाई भी कर रहे हैं, परंतु सुधारात्मक कार्रवाई के साथ साथ उपचारात्मक कार्रवाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सुधार भी कराना चाहते हैं और उपचार भी करना जानते हैं, तो यदि आप कोई गलत या लापरवाही करते हैं तो हमारी तरफ से जो चालानी कार्रवाई होती है वो तो निरंतर हो ही रही है, परंतु समझाइश और जागरूकता एक हमारी पहल है और हमें उम्मीद है कि आप सब इसमें हमारे साथ आएंगे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जनपद सोनभद्र के कर्मा ब्लॉक के तकिया गांव में सोमवार को सेंसिटिव इंडिया फाउंडेशन के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉ. विशेश्वर चौहान ने लोगों को मतदान करने के लिए ग्रामीणों से अपील की कि वह उनके अधिकारों के बारे में बताएं व मतदान व उनके हक अधिकार के बारे में समझाया। ग्रामीणों ने इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अन्य ग्रामीणों को मतदाता के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि असगर रजा ने भी ग्रामीणों से अपील की और कहा कि आप जिसे चाहें अपना वोट दें, यह आपका अधिकार है, लेकिन आप सभी लोग अपने मत का प्रयोग जरूर करें व लोकतंत्र के इस पावन पर्व के मौके पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 1 जून को होने वाले चुनाव में अपने मत का प्रयोग जरूर करें। वहीं पूर्व प्रधान बिहारी आदिवासी ने भी ग्रामीणों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर इरशाद अहमद, मिराज अहमद, वीरेंद्र मौर्य, साहब अली, भोला मुन्ना, अशोक आदिवासी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता मुकेश द्विवेदी की रिपोर्ट। राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके के गलोदा गांव में शराब माफियाओं के द्वारा एक दलित वाल्मीकि समाज के युवक की निर्मम हत्या किए जाने के बाद दलित समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। धौलपुर जिले में सोमवार को दलित समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दलित संगठनों के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मृतक रामेश्वर के हत्यारों को जल्द फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही उसके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मोहन सिंह और अखिल भारत अनुसूचित जाति समाज के रमेश साहू ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या मैटर है सर? ऐसी समाज के साथ में सामान्य वर्ग द्वारा रोजाना की कहीं ना कहीं घटनाएं घटती होती हैं। झुंझुनू में एक रामेश्वर नाम के वाल्मीकि लड़के को, जो 22 साल की एज का नया लड़का था, उसको सामान्य वर्ग के आदमी, उसका दारू का ठेका था, उसकी दुकान पर से दारू नहीं ली, इस वजह उसको घर से पकड़ करके ले गए और मारते हुए ले गए उसको, फिर मार करके घर पर ही डाल करके आए। ऐसी दबंगी आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये जल्दी गिरफ्तार नहीं किया तो हो सकता है पूरे राजस्थान में संघर्ष होगा, इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की और राज्य सरकार की होगी। मेरा एक और निवेदन है कि हमारा एक संजय जाटव जो विधायक पसेड़ी से है, उसको बार बार कहीं ना कहीं झूठे केसों में उसको फंसाया जा रहा है, इसकी विधायकी किस प्रकार की जाए। मेरा निवेदन ऐसा है कि हर वर्ग इस प्रकार से तोला हुआ है ऐसी समुदाय के ऊपर, कि इनको किस प्रकार से इनका पतन किया जाए, इनको किस रूप से नीचा दिखाया जाए, कैसे इनको किसी पद पर नहीं रहने दिया जाए। इसलिए मेरी गुजारिश है, प्रशासन से विशेष निवेदन है, जिला कलेक्टर से निवेदन है कि हमारी राज्यपाल महोदय के लिए और मुख्यमंत्री महोदय के लिए हमारी ये सिफारिश की जाए कि इनके साथ में न्याय किया जाए और दोषी को दंडित किया जाए। क्या मैटर की बात है? सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के साथ
दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें लाठी डंडों से पीट पीट करके उसे मार दिया गया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन इसकी निंदा करता है एवं कड़ा विरोध करता है। ऐसी घटना, सरकार से निवेदन है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। जब वीडियो वायरल होता है तो हम लोगों को, वाल्मीकि समाज को पता चलता है, और जो वीडियो वायरल नहीं हो पाते हैं ऐसी घटनाओं की जानकारी नहीं होती है। प्रशासन उन पर कोई एक्शन नहीं लेता है। प्रशासन की कमी से ये मामले ऐसे रफे दफे हो जाते हैं। हमारी मुख्य तीन बिंदुओं पर मांग है कि मुलजिमों को फांसी दी जाए, परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाए एवं परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ये हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से जिला कलेक्टर धौलपुर को ज्ञापन दे रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह थरवाल, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कमेटी। धौलपुर से सीनियर संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।